अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है कि हम सोच ही नहीं सकते मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस 5 फुट के जिस्म के अंदर कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहोगे तो तुम कभी शुमार नहीं कर सकोगे। सवाल हुआ, आंखें दो हैं गिन ली, हाथ दो हैं गिन लिए, कान दो हैं गिन लिए, टांगे दो हैं गिन ली, फिर अल्लाह ने कैसे कहा कि तुम गिन नहीं सकते। तो उलमाए कराम ने इसकी तफसीर में ये लिखा कि तुमने आंखों से कितनी दफा देखा बताओ गिन सकते हो, कानों से कितनी दफा सुना बताओ गिन सकते हो, टांगों से कहां कहां चल के गए बताओ गिन सकते हो। ये है वह इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम अल्लाह की किस किस नेमत को शुमार करना चाहोगे शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा, थोड़ी सी तकलीफ आए शिकवे गिले शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा दुख मिले अल्लाह के साथ हमारा मुकाबलेबाजी हो जाती है। अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है मेरे भाइयों, हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते। आंखें दी रब ने, आंखें ना होती अंधे होते। इन आंखों की कीमत उस शख्स से पूछो जो नबीना है, वो कहता है कि मुझे दुनिया की कोई चीज़ ना दो, मुझे आंखें दे दो ताकि मैं अपनी माँ के चेहरे की जियारत तो कर सकूँ, मुझे कान दे दो ताकि मैं अपनी माँ की आवाज़ तो सुन सकूँ। उस शख्स से पूछो कि जो बीमार है, उससे पूछो कि वो कहता है कि मुझे सेहत दे दो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा। एक अखबार में रिपोर्ट आई, 1 करोड़ अरबों पति औरत कहती है मेरे घर में कई किस्म के खाने बनते हैं और मैं खाने खुद बनाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर का निज़ाम इन्हिज़ाम इस कदर नहीं है कि मैं 24 घंटे में 1 रोटी खा लूँ और वह हज़म हो जाए। और उसने कहा कि काश मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दो कि मेरा अंदर का निज़ाम ठीक हो जाए और मैं 24 घंटे में 1 रोटी तो खा लूं, 1 रोटी तो खा लूं। आज खाते हैं सो जाते हैं, उठ के वॉशरूम में गए फ्रेश हो गए सब कुछ खत्म हो गया। ये अंदर का निज़ाम किसने बनाया है? अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। ये दिल हमारा दिन में 1 लाख दफा धड़कता है, हमारे फेफड़े दिन में 23,000 मरतबा सांस लेते हैं, 23,000 मरतबा सांस निकालते हैं। जरा तसव्वुर करके कोई गिन के इस तरह सांस ले और निकाले, आधा घंटा नहीं होगा बंदा बेहोश हो जाएगा। कितनी बड़ी नेमत रब ने दी इंसान के अंदर। ये गुर्दे, ये डिलाइसिस, अगर मार्केट में जिस शख्स को अल्लाह सबको की हिफाजत फरमाए, सबको सेहत दे, अगर किसी का मसला हो जाए उस शख्स को नींद नहीं आती रात को। वो डिलाइसिस कराने के लिए जब जाता है तो 10,000 रुपए का 1 दफा करने का करवाने का खर्चा है उनको, वाश करवाने का गुर्दों को। और ये जो अल्लाह ने अंदर निज़ाम बनाया, हर शख्स के गुर्दे दिन में 25 दफा डिलाइसिस होते हैं, 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। ये जिगर जो खून बनाता है, ये करीब हाल का खर्चा कि जिस शख्स ने ट्रांसप्लांट करवाना हो, अपना जिगर अलग करवाना का टुकड़ा लगवाना हो, जिगर खत्म हो गया हो, 60-70 लाख का खर्चा है। क्या हमने रब को कोई दरख्वास्त दी थी, मेरे अल्लाह मेरे अंदर जिगर रखना? मैंने कोई रब को दरख्वास्त दी, मेरे रब मेरे साथ ये मामला करना? ये आंखें छोटी सी, इन आंखों के ऊपर जो पलके हैं, इतना बड़ा निजाम कि जैसे ही कोई चीज जो आंख को नुकसान देने वाली है जैसे ही आती है, आंखें खुद ब खुद बंद, ये पलके बंद। कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन शकर तुम लजीद नकुम, अगर शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हारे लिए नेमतों को बढ़ा देगा। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर ना शुक्री करोगे अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। ना शुक्री क्या है? आंखों से अल्लाह की मर्जी के खिलाफ देखना। हाथों की ना शुक्री क्या है? अल्लाह की मर्जी के खिलाफ पकड़ना।
कानों की नाशुक्री क्या है अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जो बातें हैं उनको सुनना, पाँव की नाशुक्री क्या है कि इनको गलत काम की तरफ चलाना, और इनकी शुक्रगुजारी क्या है कि जिन कामों से अल्लाह राज़ी होता है इस पूरे जिस्म को उसके अंदर लगाना। इसलिए गुजारिश है रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह के दर पे आएँ, अल्लाह के सामने झुकें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे रब तूने सही सलामत चेहरा अता फरमाया, सही सलामत हर चीज़ अता फरमाई, तेरा करोड़ शुक्र।